हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, तुमने सब गुड कवर कर दिया है। यू हैव मेड द होल शो। यू हैव मेड द होल शो मीन्स तुमने सब गुड कवर कर दिया है। हमारे लिए मृत्यु अटल या अनिवार्य है। डेथ इज इनविटेबल फॉर अस। Death is inevitable for us means हमारे लिए मृत्यु अटल है। वह निराश हो गया होगा। He may have been disappointed. He may have been disappointed means वह निराश हो गया होगा। मुझे कोई भ्रम नहीं है। I have no delusion. I have no delusion means मुझे कोई भ्रम नहीं है। क्या आप लंगड़ा कर चल रहे हैं? Are you limping? Are you limping मीन्स क्या आप लंगड़ा कर चल रहे हैं। मैंने रोहन को लंगड़ा के चलते हुए देखा है। आई हैव सीन रोहन लिम्पिंग। आई हैव सीन रोहन लिम्पिंग मीन्स मैंने रोहन को लंगड़ा के चलते हुए देखा है। मुझे आपको बताने की जरूरत थी। आई नीडेड टू लेट यू नो। आई नीडेड टू लेट यू नो मीन्स मुझे आपको बताने की जरूरत थी। कुछ लुटेरों ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। Some looters shoved me down. Some looters shoved me down means कुछ लुटेरों ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैं जूते पहनकर सो गया। I slept with shoe on. I slept with shoe on means मैं जूते पहनकर सो गया। किसके लिए हम आपकी कोमल दया की मिन्नत कर रहे हैं? कैसे बोलेंगे? For whom do we implore your tender mercy? For whom do we implore your tender mercy? Means किसके लिए हम आपकी कोमल दया की मिन्नत कर रहे हैं? विवाद करने के बाद वे दोनों शांत हो गए। Having got into a fresh, they both got cool off a noisy quarrel. Means विवाद करने के बाद वे दोनों शांत हो गए। उन दोनों में तूतू मैं हो गई। They both have exchanged hot words. They both have exchanged hot words means उन दोनों में तूतू मैं हो गई है। दूध फट गया है। Milk has turned sour. Milk has turned sour means दूध फट गया है। मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें बिल्कुल नहीं पसंद हैं। I don't like your hackneyed word at all. I don't like your hackneyed word at all means मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हम लोग सच को झुठला नहीं सकते। We can't falsify the truth. We can't falsify the truth means हम लोग सच को झुठला नहीं सकते। मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ। I am parched. I am parched means मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ। ये मेरा अपना अंदाज है। It's my swag. It's my swag. ये मेरा अपना अंदाज है। तुम्हारे कान बज रहे हैं। Your ears are tingling. Your ears are tingling means तुम्हारे कान बज रहे हैं। उसने मुझे कतार में खड़ा करवाया। He made me stand in queue. He made me stand in queue means उसने मुझे कतार में खड़ा करवाया। कार का शीशा चढ़ाओ। Wind the window up. Wind the window up means कार का शीशा चढ़ाओ। कार का शीशा नीचे करो। Wind the window down. Wind the window down means कार का शीशा नीचे करो। प्यार सोच समझ के नहीं होता। Love doesn't require consideration. Love doesn't require consideration means प्यार सोच समझ के नहीं होता। वह मेरा नहीं हो सका। He couldn't be mine. He couldn't be mine means वह मेरा नहीं हो सका। मैं नए नियमों का पालन करता हूँ। I abide my new rules. I abide my new rules means मैं नए नियमों का पालन करता हूँ। तुम इतनी सहमी सी क्यों हो? Why are you apprehensive? Why are you apprehensive means तुम इतनी सहमी सी क्यों हो? किराने का सामान खत्म होने वाला है।
groceries are about to finish. Groceries are about to finish means किराने का सामान खत्म होने वाला है. धूल पहुँच लो, wipe off the dust. Wipe off the dust means धूल पहुँच लो. यह सही है. This is right. This is right. या फिर हम बोल सकते हैं it is right. यह सही है. यह गलत है. It is wrong. या फिर बोल सकते हैं this is wrong means यह गलत है. समझ गए, got it. Got it. या फिर हम बोल सकते हैं understood means समझ गए, understood. मैंने ये बात नहीं कही. I didn't make this remark. I didn't make this remark means मैंने ये बात नहीं कही. मामला बिगड़ गया है. The matter has become serious. The matter has become serious. या फिर हम बोल सकते हैं The matter has taken a serious turn. The matter has taken a serious turn means मामला बिगड़ गया है. बस यूं ही, just like that. Just like that means बस यूं ही. अभी तक तो नहीं, not yet. Not yet means अभी तक तो नहीं. मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ. I am not riffraff. I am not riffraff means मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ. Riffraff बोलते हैं disreputable person को. Riffraff means disreputable person. मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ. He is not Dick and Harry. He is not Dick and Harry means वह कोई ऐरा गैरा नहीं है. इशारा मत करो, don't gesture. Don't gesture means इशारा मत करो. शाबाश, well done. Well done means शाबाश. मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ. I am alive only for you. I am alive only for you means मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ. वह अपने स्वभाव से मजबूर हैं. He is bound to his nature. He is bound to his nature means वह अपने स्वभाव से मजबूर हैं. कलम से लिखो, write with the pen. Write with the pen means कलम से लिखो, write with the pen. चम्मच से खाएं, eat with the spoon. Eat with the spoon means चम्मच से खाएं. इसे चाकू से काटें. Cut it with the knife. Cut it with the knife means इसे चाकू से काटें. उसे छड़ी से मत मारो. Don't beat him with the stick. Don't beat him with a stick means उसे छड़ी से मत मारो. इसे हाथ से करें. Do it with hand. Do it with hand means इसे हाथ से करें. वापिस आते समय मैं उसके घर गया. On the way back I went his home. On the way back I went to his home means वापिस आते समय मैं उसके घर गया. काश उसे मेरे दर्द का एहसास होता. I wish he had the feeling of my pain. I wish he had the feeling of my pain means काश उसे मेरे दर्द का एहसास होता. दूध फट गया है. The milk has curdled. The milk has curdled means दूध फट गया है. क्या हम बात कर सकते हैं? Can we talk? Can we talk means क्या हम बात कर सकते हैं?